हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 30 तारीख हो गई है तो नए साल का बस एक ही दिन बच गया है। तो आज हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट। मैं, मम्मी और सुमन आंटी, हम तीनों जाएंगे ऑटो में बैठ के। सुमित ने लेके जा रहे, सुमित ने मना कर दिया। मैं तो कह रही थी चलो मेरे को जींस दिलवा लाओ, उधर शोरूम है तो एक आधे तो वहां से जींस ले आऊंगी, लेकिन मना कर दिया इन्होंने। तो देखती हूँ जींस तो कब लाई जाएगी। अभी तिब्बत मार्केट जा रहे हैं तो वो सर्दियों का सामान मिलता है ना उधर, तो सर्दियों की स्वेटर जैकेट, ये जैकेट भी मैं वहीं से लेके आई थी, ये पहनल थी जो मैंने। तो देखते हैं अगर कुछ पसंद आया तो हम जा रहे हैं तिब्बत मार्केट। वैसे तो हम पिछले साल भी नहीं गए थे, पिछले साल गए थे तो हम स्वेटर और जैकेट ज्यादातर तिब्बत मार्केट से ही लाते हैं, वहां की बहुत अच्छी निकलती है। मतलब स्वेटरों में रुएं नहीं आते और जैकेट भी सालों साल चलती है, तो चलती ही सालों साल है जैकेट वगैरह। तो चलो आपको भी घुमा के लाते हैं क्या क्या नई नई चीजें आई हुई हैं। तो अब की बार तिब्बत मार्केट लगी हुई है सेक्टर 14 में लगी हुई है। तो उधर ही जा रहे हैं हम, सेक्टर 14 जा रहे हैं अभी। चलो चलते हैं। और सुमन आंटी भी आ गई थी तो मैंने ऑटो बुक कर दी थी, और हमारी ऑटो भी अभी आ गई है। बस अभी ऑटो में बैठ के और हम चल दिए सेक्टर 14। और मैं, हमने सोचा था कि ऑटो में है ना ठंड लगेगी तो पूरी मोटी जैकेट वैकेट, मम्मी तो टोपा पहन के आई थी, लेकिन इस ऑटो में पर्दे लगे हुए थे ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, एकदम सही लगा। और अभी हम सेक्टर 14 पहुँच गए हैं और ये यहाँ पर मार्केट जो लगी हुई है तिरुपति वूलन स्वेटर, तो हम इस पर पहुँच गए तो यहीं लगती है इसी ग्राउंड में, तो हमने सोचा ये ही तिब्बत मार्केट है तो हम इस मार्केट में पहुंच गए। लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चला कि ये तो छोटी सी मार्केट थी, बस ये दो लाइनें बनी हुई ना तो इतनी थी। आप बाजू की है स्वेटर? आप बाजू है ना? हाँ, आप स्लीव दिखाओ। ये गबरों से की बढ़िया है। क्या प्राइस है इसका? बड़ा सस्ता है। बड़ा सस्ता है तो हम भी बोलने लगे। और क्या? अच्छा, 780 रुपए का अभी ठीक लगा। 780 तो 10% डिस्काउंट भी दिए पिछली बार का, तो पुराना कर लिया। कह रहे थे एक बहुत है, हेरी दो पैर है बिना। ये सेम मेरे पास तो है, ये पीच कलर कुछ कुछ करो तो बड़ा साइज तो बड़ा है। इतना है मेरा भी, इतने साइज इतने हम ही करने पीछे। कितने जिसमें छोटा भी है? कितने का भी है ये? ये मैम ये 280 वाला है, 350 का होगा। यो सेम टू सेम वगैरह करते कुछ कितना? 450। तो जब हम मार्केट में पहुंच गए ना तब हमें ये पता चला कि ये तिब्बत मार्केट नहीं है, ये तो तिरुपति है। तो फिर हमने इनसे ही पूछ लिया कि कहाँ लगी हुई है अब की बार तिब्बत मार्केट, तो फिर ये भैया बोले कि सेक्टर 6 में लगी हुई है। तो हमने सोचा अभी पहुंच तो गए ही हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं कुछ पसंद आया तो। तो सबसे पहले तो हमने स्वेटर देखी थी मम्मी की, हाफ बाजू की। मम्मी को हाफ बाजू की स्वेटर चाहिए जैसे कम ठंड हो ना तो उसमें पहनने के लिए, तो कुछ खास यहाँ हमें पसंद नहीं आई। फिर हम देखने लग गए ये नाइट सूट जो वूलन के हैं, मतलब जो ये मेरे पास तो हैं, 3 है मेरे पास तो, लेकिन दीपिका के लिए चाहिए था हमें। तो हमने यहाँ कई सारे देखे, एक आध पसंद भी आए, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा थे। जैसे मैं खरीद के लाई हूँ रोहतक से तो वहाँ मेरे को सही रेट में मिल गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट थे तो हमने ये नहीं खरीदे। और अभी हम आ गए हैं, यहाँ कंबल हैं, शॉल हैं तो, और टोपे वगैरह हैं, तो ये देखने लग गए। वहाँ भी आए हैं तो पूरी मार्केट में इसमें भी घूम के देख के, और तब सेक्टर 6 की मार्केट में जाएंगे। रेट तो शॉल देख लगी मम्मी ना 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 लवेंडर कलर का शॉल पसंद आवा सुमन ने, लवेंडर फेमस हो रहा है ना कलर पूरा शॉल है ये। ऐसा ऐसा सब कलर तो आंटी पहन रही है, ऐसा ऐसा देख। अरे ऐसा ऐसा सूट ही ले कल देख लो, देख लो सब लग रहा है सिंगर के ना तो कौन लगे बड़ी ऐसे ही बर्फ वाला ले ले, जैसे ये नीचे वाला बर्फ ये देखा ये पीला पीला सा। कलर तो सही लग रहा है, सही है ना, श्याम का 700 का पड़ेगा, 10% लेस कर रहे हैं। और वो 700 रुपया का शॉल देख लो,
अभी हम सेक्टर 6 की तिब्बत मार्केट में चल पड़े, क्योंकि यहाँ छोटी सी थी और थोड़ी सी दुकानें थी, इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। तो अभी सेक्टर 6 की मार्केट में जाके देखते हैं। अभी पता चला हूँ अभी लगी हुई है तिब्बत मार्केट, इन्होंने ही बताया। तो चलो उधर चलते हैं, चलो सब कर दिए मैंने, ऑटो आ गई बस हमारी, दिखाती है नई नई चीजें। और सेक्टर 6 में जाने के लिए है ना मैंने ऑटो भी बुक कर दी थी, और जब हम बाहर खड़े होके ऑटो का वेट कर रहे थे ना, तो एक आदमी ने बताया कि तिब्बत मार्केट यहाँ से मतलब थोड़ी सी आगे लगी हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा ही था, मतलब 2 मिनट का रास्ता था इससे तिरुपति से आगे। तो फिर हमने ऑटो भी कैंसिल करनी पड़ी और अभी हम वही जो सेक्टर 14 में तिब्बत मार्केट में पहुँच गए हैं। हम थोड़ा सा पहले उतर लिए ऑटो से और थोड़ी सी पहले वो तिरुपति स्वेटर वाली मार्केट लगी हुई थी और तिब्बत मार्केट में हम उतरे ही नहीं, गलती हमारी ही थी। तो अभी हम असली तिब्बत मार्केट में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले आके मैंने तो ये जैकेट दिख गई सामने ही, तो मैं ये देखने लगी, बहुत ही सुंदर जैकेट थी, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, चैन वाली थी, चैन वाली जैकेट ये गुबरून से की मिलती बहुत कम है, कहीं कहीं ही मिलती है। और मम्मी और अपनी स्वेटर देख रही है मम्मी, जो मम्मी को हाफ बाजू की लेनी थी। और अभी सुमन आंटी की दोस्त आ गई थी, मतलब सुमन आंटी के घर के पास में रहती है पड़ोसन, तो वो आ गई थी आंटी, उनसे मिलने लग गई थी और मैं और मम्मी स्वेटर खरीदने लग गए थे। लेंथ कम लग रही है, कलर भी सुंदर नहीं है, कलर ही सुंदर नहीं है, कोई ढंग से का कलर हो, थोड़ा ब्राइट डार्क डार्क से कलर, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। और इस कपड़े में देखो, मैं इस कपड़े में देखो ना, इसमें इस कपड़े में, इस कपड़े में देखो कलर। और मम्मी के लिए स्वेटर देखने के बाद फिर मैं अपने ट्रैक सूट देखने लग गई थी। ये वेलवेट का ट्रैक सूट है जो गाजरी गाजरी कलर का दिख रहा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब वेलवेट में भी 2 तरह के थे, एक का रेट कम था एक का ज़्यादा था, लेकिन जब ज़्यादा रेट का मतलब बढ़िया वाली चीज़ देख लेते ना तो कम वाली चीज़ पसंद नहीं आती। तो फिर इसका रेट था 1700 वेलवेट वाले ट्रैक सूट का, तो फिर मैंने नहीं ली। और उसके बाद है ना फिर मैंने ये जैकेट देखी, बहुत ही बढ़िया जैकेट थी, मतलब बहुत गर्म थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। तो मम्मी बोली ये 800 की जैकेट होगी, तो 800 की जैकेट होगी ना अभी खरीद लेंगे इसको। फिर हमने इसका रेट पूछा ना, तो भैया बोले कि 1600 की, क्योंकि अभी है ना ऑफ तो नहीं था, बिल्कुल जैसा रेट था ना वैसे के वैसे दे रहे थे। जबकि हम फरवरी में आते हैं ना तो 30-40% ऑफ मिलता है, यही चीज़ें 30-40% ऑफ मिलेंगी जब ये मार्केट उठने लग जाती है ना, मतलब 15 फरवरी को ये बंद हो जाए, ख़त्म हो जाती है, मतलब उठ जाती है मार्केट, तो उस टाइम ये सही रेट में देते हैं चीज़ें। तो फिर हमने सोचा यही सारी चीज़ें हमें सही रेट में मिल जाएंगी फरवरी में, तो हम फरवरी में ही क्यों नहीं लेने आएंगे। तो हमने खरीदी नहीं, वैसे चीज़ें मेरे को कई सारी पसंद आई लेकिन खरीदी नहीं। और अभी आंटी अपने लिए शॉल देखने लग गई है, क्योंकि आंटी को चाहिए था घर पे ओढ़ने के लिए शॉल, इसीलिए वहाँ हाँ ये तो जल्दी पानी पूनी में हो जाए, ये पानी में भी भीग जाएंगे तो कोई दिक्कत भी ना। हाँ ये जूते बच्चा के नहीं अपने बड़े के हैं, ये भी कितने सुंदर है ना, ये देखो कलर और ये बच्चा के, ये नीचे बच्चों के भी, अच्छा ये अपने बड़े के हैं, ये सुंदर ये है बच्चे के, ये देखो पूरा वो जो रेड और व्हाइट है ना ग्रीन के साथ वो सही है, सर्दियाँ मजे आ जाए। ये तुम लेके जा रही साइन के घर, ये देखो ये लेके जा रही सही से घर पे रही रे, हाँ मैं वो ऐसे लेके आ रही हूँ। देखा और उसके बाद हमने टोपी जूते सर्दियों के प्यारे प्यारे तो सारी चीजें देखी। और ये वाली पिंक वाली जैकेट देखो कितनी सुंदर है ना, मेरे को तो ऐसे कलर भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और हमें खरीदनी भी थी, मतलब मेरे को जैकेट भी खरीदनी, फिर हमने सोचा फरवरी में आएंगे तभी खरीद लेंगे, डिस्काउंट में चीजें तो मिल जाएंगी। और 2 ट्रैक सूट मतलब जो पतले वाले नाइट सूट है वो खरीदने थे दीपिका के लिए, क्योंकि अभी वो कैनेडा में है ना, तो कैनेडा में अंदर तो इतनी ठंड होती नहीं, हीटर लगे होते हैं, और बाहर ज्यादा ठंड होती है तो बाहर तो ये काम देंगे नहीं। तो उसके लिए जो पतले वाले नाइट सूट होते हैं ना सर्दियों के, तो वो चाहिए थे और वो हम खरीद के ले जाएंगे फरवरी में, क्योंकि दीपिका मार्च में आने वाली है, तो हमने सोचा फिर फरवरी में आएंगे तभी डिस्काउंट में खरीद ले जाएंगे। सुमन आंटी ने ये वाला शॉल खरीद लिया है भाई। पर्स वाली शॉप पे पहुंच गए, अभी देखेंगे पर्स, यहाँ पे भीड़ हो रही है सबसे ज्यादा इसी दुकान पे, सबसे ज्यादा लेडीज पर्स खरीदते हैं भाई। भीड़ इतनी हो रही है कहाँ देखे जाए, लेना तो था एक पर्स।
और हम सारी मार्केट में घूम आए हैं। हमने तो कुछ नहीं खरीदा, मैंने और मम्मी ने, आंटी ने शॉल खरीद लिया और बस बाहर आके मैंने ऑटो बुक कर दी थी और ऑटो वाला अभी आया नहीं था तो हमें ये दिख गया शक्करकंदी वाला, तो हमने एक एक प्लेट यहाँ पे शक्करकंदी ले ली थी और शक्करकंदी लेते ही हमारा ऑटो वाला आ गया था तो हमने ऑटो में बैठ के ही शक्करकंदी खाई और बस घर आके फिर चाय पानी पिया। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ खाना बनाने और आज खाने में मैं बना रही हूँ मटर और मशरूम की सब्जी। और मैंने ना कई दिन पहले मटर मशरूम की सब्जी बनाई थी तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि मटर मशरूम की, मतलब जब भी मशरूम की सब्जी बनाना तो उसकी रेसिपी शेयर कर देना, तो मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा चलो रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रफली चॉप कर ली है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी काट के और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और बस पकने के लिए रख दिए। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी पक जाएंगी और ढक के रख दी हैं, ढक के रखने से जल्दी पक जाएंगी ना, तो इसीलिए। और फिर मैंने मशरूम को अच्छे से धो लिया है, मैं ना पतीले में डाल के धोती हूँ अच्छा सा पानी डाल के और तब मशरूम को धोती हूँ ताकि अच्छे से धुल जाए वो, साफ़ सुथरी धो के। और मैं अब इनको काटने लग गई हूँ तो मोटे मोटे पीस ही काटती हूँ मैं, जैसे एक मशरूम में से चार पीस ही बनाती हूँ। और मशरूम को काट के रख लिया है मैंने और जब तक मशरूम को काटा ना तब तक ये मेरे प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये भी पक गए थे, सिम गैस करके छोड़ दी थी और ढक के तो जल्दी पक जाते, सारी चीज़ें इकट्ठी पक गई। तो बस अभी गैस को मैंने कर दिया है बंद और इसको मैं मिक्सी जार में निकाल लूँगी और उसमें ही ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और फिर मैंने कढ़ाई को धो लिया था इसमें दोबारा तड़का लगाने के लिए और फिर से कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और उसमें एक चम्मच घी डाल दिया है और घी में डाल दिए हैं मैंने खड़े मसाले। और खड़े मसालों में मैंने डाला 3 लौंग 2 इलायची और 1 तेज़पत्ता, फिर उसके बाद पिसे हुए मसाले डाल दिए थे, धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गर्म मसाला और मटर मशरूम मसाला, तो सारे मसाले अच्छे से मिला के। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई मशरूम और मशरूम और मसालों को मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मटर और मटर और मशरूम मसालों में अच्छे से मिला के। और मैंने सिर्फ 5 मिनट इनको पकाया था और पकाने के बाद फिर मैंने इसमें जो पिसा हुआ मसाला है ना, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो मिक्सी जार में डाले थे तो उनको भी ठंडा होने के बाद मैंने पीस लिया था और वो मसाला डाल दिया है मैंने इसमें। और ये अभी गाढ़ी थी ग्रेवी तो जार वगैरह धो के और तब मैंने पानी डाल दिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला था नमक और नमक डाल के बस 15-20 मिनट के लिए इसको सिम गैस पर ढक के रख दिया था क्योंकि मटर भी कच्ची है मशरूम भी कच्ची है तो 15-20 मिनट पर दोनों चीज़ें पक गई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी थी और थोड़ी सी मलाई डाल दो, मैंने मलाई डाली नहीं, मलाई डालने से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस मटर और मशरूम की सब्जी टेस्टी टेस्टी सच में बहुत टेस्टी बनती है तो बन के रेडी हो गई थी और बस मैंने उसके बाद रोटी बना दी थी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।